तो दोस्तों फाइनली हमारे पास आ चुका है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स 035G। तो आज करेंगे इसके गेमिंग रिव्यू, देखेंगे एक गेमिंग के लिए कितना अच्छा है और यहाँ पे आपको क्या क्या गेमिंग फीचर मिलेगा वो सब कुछ जानेंगे। वैसे तो ये कैमरा सेंट्रिक मोबाइल है पर गेमिंग के लिए ये डिवाइस लेना ठीक है या नहीं और गेमिंग में एक कितना परफॉर्मेंस अच्छा देगा वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इन्फिनिक्स 035G रिलेटेड फ्यूचर में। और तो वीडियो को शुरू करने से पहले बेसिक कुछ चीज इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर जिसके एंटूटू स्कोर 7 लाख से भी ज्यादा है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम इन्फिनिक्स GT 10 प्रो जैसा ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपकी डिवाइस में एक्सरीना का एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसे फाइंड करके आपको ओपन करना होगा। एक सेपरेट से एप्लीकेशन मिल जाता है एक्सरीना। तो यहाँ पे आप बहुत टाइप से कस्टमाइज कर सकते हो, आपके गेम प्ले को बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारे फीचर मिल जाएगा। तो सबके बारे में जानेंगे एक एक करके, तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको इस एप्लीकेशन को आपकी डिवाइस पे फाइंड करके सिंपली ओपन कर लेना होगा। तो ओपन करने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे देख सकते हो एक्सरीना, और नीचे आपको ड्रॉल लिंक पर जब भी क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन और सेटिंग आपको मिल जाएगा जैसे कि देख सकते हो हाइड नोटिफिकेशन, इनकमिंग कॉल रिजेक्ट, हेल्थ मोड और भी बहुत सारे हैं जैसे देख सकते हो गेमिंग टेम्परेचर कंट्रोल, इंक्रीज फुटस्टेप साउंड और ऑप्टिमाइज गेम ग्राफिक इन्हांसमेंट और रिकरेक्शन काउंटडाउन। तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग है जैसे देख सकते हो, तो इन सभी सेटिंग को आप यूज कर सकते हो और आपकी जो गेम प्ले है उसे और भी ज्यादा अच्छा और इन्हांस कर सकते हो। तो इन सभी फीचर को आप आपकी खुद के मुताबिक जरूर ट्राई करना। तो इसके बाद जो सेटिंग की ऑप्शन है वहाँ पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोफेशनल सेटिंग मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे देख सकते हो गेम डाटा, यहाँ पे आपके जितने सारे गेम प्ले आप करते हो उसके सभी डाटा आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे कि देख सकते हो कौन सी गेम कितने टाइम तक खेले हो और कब कब खेले हो सब कुछ आपको शो करेगा यहाँ पे। तो आपकी जो गेम प्ले है उसकी ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो बहुत ही आसानी से। और दोस्तों आप लोगों को पता है गेम प्ले के अंदर एक बहुत ही बड़ा दिक्कत करता है डिवाइस की नोटिफिकेशन, तो उस प्रॉब्लम को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो बैरेज नोटिफिकेशन, इस ऑप्शन को आप जब भी इनेबल कर दोगे तो व्हाट्सएप और मैसेज की जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से आपकी डिवाइस पे शो होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आके आपको दिक्कत नहीं करेगा और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे देख सकते हो गेम एंटी एडिक्शन, और नीचे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा ग्राफिक इन्हांसमेंट। वहाँ पे आप जब भी जाओगे तो आपकी जो गेम प्ले है उसकी जो ग्राफिक है उसे और भी ज्यादा अच्छा और इन्हांस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन काफी बढ़िया है एक गेमर के लिए। और दोस्तों नीचे आपको सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग गेम मैनेजमेंट मिल जाता है, तो इस ऑप्शन पे आपको जाना होगा, ठीक है। जाने के बाद आपकी डिवाइस में जितने सारे गेम है वो आपको शो करेगा, सिंपली आप जिस गेम को गेम मोड पे रखना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, यहाँ पे फाइंड करके। और सिलेक्ट करने के साथ साथ वो जो गेम है वो आपकी जो एक्सरीना है वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा जिसके देख सकते हो। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कैसे आप गेम प्ले कर सकते हो, तो सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के साथ साथ जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगा और गेम के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन और फीचर मिलेगा जो आपकी गेम प्ले को और भी आसान कर देगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट पैनल आपको आ जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो है वॉइस चेंजर। इस डिवाइस में जो वॉइस चेंजर के ऑप्शन है वो है कि नहीं, तो दोस्तों जैसे देख सकते हो यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत सारे टाइप की वॉइस चेंज आप कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो मैन वुमेन बॉय गर्ल, आप किसी भी टाइप की वॉइस को चेंज कर सकते हो। साइड पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा जैसे सेटिंग, कॉल रिजेक्ट, वॉइस चेंजर, गेमिंग टेम्परेचर, ऑफ स्क्रीन गेमिंग, मैजिक बटन, बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो आपकी गेम प्ले को और भी आसान कर देगा। जैसे कि देख सकते हो मेमोरी क्लीनअप, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन शॉट और हाइड नोटिफिकेशन, और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यही था इन्फिनिक्स 035G का सभी गेमिंग फीचर। तो आप अगर एक गेमर हो तो इन सभी फीचर को आप यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं गेमिंग रिव्यू के बारे में, तो गेमिंग के लिए ये डिवाइस लेना ठीक है या नहीं और यहाँ पे आपको कैसा गेमिंग आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है और डिस्प्ले भी काफी अच्छा, यहाँ पे आपको 144Hz के रिफ्रेश रेट मिलता है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफी सही मिलने वाला है इस डिवाइस में। एकदम GT 10 Pro में जैसा मिलता है वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा, तो गेमिंग के लिए आप हाँ इसे ले सकते हो, काफी शानदार डिवाइस है। यहाँ पे हाई ग्राफिक पे सेट करके आप गेम प्ले कर सकते हो, कोई भी लैगिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा और दोस्तों डिवाइस हीट भी नहीं होगा। तो आप अगर एक पर्टिकुलर गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, और इसकी जो कैमरा है बहुत अच्छा ही है, तो सभी चीज आपको अच्छा मिल जाएगा।